नमस्कार, आपके साथ मैं आयुष विजय वर्गे। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे डॉक्टर्स की, क्योंकि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। और डॉक्टर्स के लिए कहा भी जाता है कि जब आंसू होते हैं तो आप कंधा होते हैं, जब कोई मर्ज होता है तो आप दवा होते हैं, और जब कोई हादसा होता है तो आप उम्मीद होते हैं। और उजाले की वो किरण होती है जब हमें लगता है कि जहां एक और मौत मुंह बाहे खड़ी है, तो वहीं हम आपके सहारे उस मौत को हरा करके जिंदगी की ये जंग जीत जाएंगे। और ऐसे ही दो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो इस धरती पर भगवान का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मिलाना चाहूंगी डॉक्टर हीरल मैम से, जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है। आप लोगों की जिंदगी बचाने के साथ साथ एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रवि हुलसुरे सर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप एमडी है पीडियाट्रिक में, और साथ ही बच्चों की सेहत कितनी जरूरी है हर कोई समझता है, क्योंकि अगर बच्चों को हल्की सी खरोच भी आ जाती है ना तो कितने हम परेशान हो जाते हैं, ये हम सभी को पता है। तो ऐसे में आपका भी बहुत बड़ा योगदान। और देखिए, हम सभी ने हमेशा से डॉक्टर्स को भगवान माना है, और भगवान की तरह ही हमेशा उनसे उम्मीद जताई है। पर यहाँ पर पहुंचने का सफर बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आता है। तो सबसे पहले हीरन मैम, आप इसे समझना चाहूंगी कि आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ, लाइफ का वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि अब मुझे डॉक्टर बनना है। पहले ही जैसा हम लोग बचपन में देखते थे कि एक डॉक्टर का काम जो कितना एक अच्छा काम रहता है, उस चीज को देख के हमने, जब हम खुद बीमार गिरते थे वो टाइम पे, हम जब देखे कि जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं एक फेथ लेके, और उस टाइम पे जब हम अच्छे हो जाते हैं तो जो मतलब हमारे मन से जो निकलता है कि थैंक यू का एक जो फीलिंग्स रहता है, वो देख के हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमको डॉक्टर बनना है आगे। तो उसके लिए हम लोगों ने उसी रास्ते पे जाना ठीक लगा। कितने चैलेंजेस आए लाइफ में, क्योंकि एज ए फीमेल लड़कियों के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, पढ़ाई के लिए हमको पहले से ही सपोर्ट मिला, लाइक के बचपन से ही हम मतलब स्टडीज में अच्छे थे, तो लाइक के सपोर्ट था उस चीज के लिए। बट बाद में जब लाइक हमारा एमबीबीएस हो गया, उसके बाद हम लोग मतलब मैंने डिसाइड किया कि जब मैंने देखा एक्चुअली फील्ड में कि जब लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं वो टाइम पे, उसको कितना स्ट्रगल हो रहा है, और उनका जब लड़की शादी हो जाती है, जब उनका एक दो तीन साल में बच्चे अगर नहीं होते हैं, तो वो टाइम पे उनके जो फैमिली मैटर्स, उनके घर में झगड़ा होना, फिर मेंटली मतलब सोसाइटी का प्रेशर, उसके घर में हस्बैंड वाइफ के बीच का जो प्रेशर वो आता है, तो एक लड़की की जो लाइफ रहती है उसी के बीच में पूरा स्टक हो जाती है। तो वो सब चीजों को लेके जब भी वो टाइम पे ही मैंने डिसाइड किया था कि भाई एक इनफर्टिलिटी के लिए हम थोड़ा पेशेंट को मतलब करेंगे, तो वो वे बेस्ट रहेगा एज अ फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट। बिल्कुल, ये कोशिश थी और आपके जो दिली इच्छा थी वो आज आप साकार भी कर रहे हैं। हाँ। देखने को मिल रहा है। रवि सर, अब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होते हैं। कभी हम सोचते हैं कि हाँ हमें ऐसा कुछ करना है, कभी सोचते हैं नहीं यार ऐसा नहीं करना, पर फॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है और उसी जिंदगी को हम जीने लगते हैं। आपके लिए डॉक्टर बनने का सफर कैसा था, पहले से डिसाइडेड या कुछ? फर्स्टली शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड थैंक यू जो आप ये ऑनर के लिए। डेफिनेटली आई वॉज नॉट इन द रेस टू बिकम अ डॉक्टर, मुझे कुछ और ही बनना था जहाँ पे आई वॉन्टेड टू फ्लाई विथ विंग्स। बट कुछ चीजें ऐसे हो जाते हैं कि हमको ये एक लाइन में अपन आ जाते हैं। बट वंस जब मैं एमबीबीएस में ज्वाइन हो गया, या फिर उसके बाद में जब कंप्लीट हुआ, तो उससे हमें प्यार हो जाता है। एंड जहां तक आता है क्रिटिकल केयर में, जहां बच्चे इतने सिक हो जाते हैं, जहां पे हम वी वर्क फॉर 48 कंटिन्यूअस 48 आवर्स, तो एक वो एक अपना एक पार्ट ऑफ द लाइफ बन जाता है। तो डेफिनेटली चैलेंजेस रहते हैं, बट जैसा जैसा आप वो फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे, एक तो है आप उससे प्यार करना है और उसके साथ बढ़ते जाना है, और डेफिनेटली दूसरा रास्ता भी रहता है। बट आई चोज दिस बिकॉज मुझे तो बच्चों से लगाव था, और वैसे जैसा उसमें हम इन्वॉल्वमेंट जितना हम ज्यादा दिखाते हैं, तो डेफिनेटली जिंदगी आपको उससे और करीब लेके आता है।
बिल्कुल, कुछ पेशे ऐसे होते हैं कि जब हम उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो और ज्यादा प्यार उससे हो जाता है, चाहे हम वो चाहें या ना चाहें। यानी कि कह सकते हैं कि अरेंज मैरिज के बाद प्यार हो गया, लव मैरिज नहीं थी पर अरेंज के बाद फिर प्यार हो गया। पर चैलेंजेस बहुत सारे आप लोगों के सामने आते होंगे, क्योंकि हिरल मैम देखिए गायनेक की जब हम बात आती है या किसी भी डॉक्टर की अगर हम जनरली बात कर लें तो क्या होता है कि जब तक डॉक्टर का इलाज सही है, पेशेंट ठीक हो रहा है, तब तक डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। पर जब कुछ थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर में ही सारी गलती है। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने चैलेंजेस है? आते हैं जब पेशेंट्स को ऐसा फील होता है कि हमारे साथ तो मतलब डॉक्टर ने सही नहीं किया, सही ट्रीटमेंट नहीं की है, वो टाइम पे थोड़ा पेशेंट्स का बिहेवियर भी एक टाइम से वो रहता है कि मतलब डॉक्टर को वो टाइम पे जब मेंटल मतलब वो लोग हर एक तरीके से फ्रस्ट्रेट कर देते हैं डॉक्टर को, तो वो टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि नहीं, इतना सर्विस देने के बाद अगर पेशेंट आके हमारे सामने झगड़ा करता है या कुछ फाइटिंग करता है, और कभी कभी पेशेंट ऐसा भी रहते हैं कि जो हमको ही सिखाते हैं कि नहीं मैडम आपको ऐसा नहीं ट्रीटमेंट करना था, ऐसा करना चाहिए था, आपने क्यों ऐसा किया, आपने क्यों ऐसा किया, लाइक वो टाइम पे हमारे को बहुत तकलीफ होती है कि भाई हम जब पेशेंट्स को, और देखो ऐसा है ना हमारा फील्ड ऐसा है कि मतलब हम लोग जो कर सकते हैं वो एक हमारा मतलब एफर्ट्स जो हमारा नॉलेज रहता है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, बट उसको छोड़ के हर एक चीज का 100% गारंटी कोई भी चीज के लिए, अभी हम समझो खुद पेशेंट, हम जब डॉक्टर रहते हैं, हम पेशेंट बन के हम खुद जब जाते हैं, हमारी खुद की भी 100% हम लोग गारंटी नहीं दे सकते कि हमारे साथ नहीं परफेक्टली हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। बिल्कुल, दवा के साथ दुआ भी बहुत, हाँ वो मेन पार्ट है हमारे फील्ड का, क्योंकि लाइक कि हमारा जो नॉलेज रहता है उसको हम अप्लाई ही कर सकते हैं, उसको बेस्ट लेवल पे अप्लाई करके उनको मतलब मैक्सिमम हम उनका हर एक चीज से मतलब हम कभी टाइम नहीं देखते हैं कि चलो हम मतलब हर एक कोई हमारे लिए कोई फेस्टिवल नहीं रहता है, हर एक चीज हमारे लिए सेम रहती है पूरे साल में, पर्टिकुलरली हाँ ये अभी 8 डेज हम नहीं करेंगे, ऐसा टाइप का हमारी लाइफ नहीं रहती है, लाइक इट्स ऑल 24/7 365 डेज, तो वैसा ही हमारी लाइफ रहती है, बट जब वो टाइम पे पेशेंट हमको ऐसा करता है वो टाइम पे हमको बहुत तकलीफ होती है। इसी तरीके के चैलेंजेस सर क्या आपकी लाइफ में भी आपको फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि आजकल सब लोग क्या कोशिश करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हुई चलो गूगल कर लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि और क्या इश्यूज है हमारे पेशेंट में, ऐसा कुछ लगता है आपको? डेफिनेटली आई एग्री विथ व्हाट मैडम सेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट एक चीज एज अ पर्सन हमको जानना चाहिए कि हाँ डॉक्टर भी एक इंसान है, दैट वी नीड टू रियलाइज, और जहां तक जान बचाना है वो अपना जी जान लगा सकता है, वो अपना 100% एफर्ट्स दे सकता है, बट अल्टीमेटली काफी बार अपने जैसा हम सोचते हैं काफी बार वैसे रिजल्ट्स भी आते हैं, बट कई बार कुछ चीजें जैसे डॉक्टर के हाथ में नहीं रहते, तो दैट एज अ पेरेंट्स एज अ पेशेंट के जो अटेंडीज हैं वो रियलाइज करना चाहिए, और हर चीज आजकल क्या हुआ है, एक तो गूगल है जहाँ पे पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं अटेंडीज हैं या पेरेंट्स हैं वो हर चीज में गूगल जितना गूगल पे ज्ञान है वो पेशेंट गूगल में और पेशेंट में काफी डिफरेंसेस रहता है, गूगल एक जैसा एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है बट पेशेंट डायनामिक, उसको हर चीज में हर मिनट में काफी सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो इट इज नॉट ऑलवेज द सेम जहाँ पे हम गूगल को लेके पेशेंट डॉक्टर के साथ बहस करें। द अदर थिंग इज ये एक मेंटेलिटी है कि जहां पे एक अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट चाहिए, ये हमको वी कैन नॉट अप्लाई दिस इन केस ऑफ लाइफ साइंसेस जहां पे हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं तो हमको जान दे दो, ये चीज हमको रियलाइज करना चाहिए कि दिस इज नॉट द वे हाउ इट वर्क्स। द अदर थिंग जितना भी जो क्रिटिकली इल बच्चों के साथ जो उनको डील किया है, काफी बार हम जो देखते हैं पेशेंट रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं, जो डेली हम पेशेंट से जो बात करते हैं अटेंडर से या उनके पेरेंट्स से, काफी बार तीसरे चौथे दिन या दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन न्यू पर्सन पॉप्स अप, जो कहीं से पहले से उसको कुछ ही डजंट नो क्या स्टेज में बच्चा था या पेशेंट था, ऑल ऑफ अ सडन जो थर्ड पर्सन आके इन बिटवीन आके उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए और साथ में काफी सारी चीजें
एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस तो, बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं जो इमोशनल अटैचमेंट है वो डॉक्टर पर भी भारी पड़ने लगता है, पर आई थिंक वो जो क्योर का वे होता है ना उसको भी इफेक्ट करता है। आपकी क्या राय है रेलमन? हाँ, वैसा तो मतलब हम लोग रूटीन प्रैक्टिस में वैसा देखते ही है कि लाइक पेशेंट ऐसा सोचता है कि हम इतना खर्च कर रहे हैं तो हमको 100% लाइक मिलेगा, बट वैसा नहीं रहता है। सर जैसा एक्सप्लेन करें ना वैसा, मतलब लाइक वी कांट गिव गारंटी ऑफ एनीथिंग, वी कांट गिव गारंटी ऑफ अवर लाइफ ऑल्सो, हाउ कैन वी गिव द गारंटी ऑफ अदर्स लाइफ? वी कैन जस्ट सर्वाइव, वी कैन डू अवर बेस्ट, वॉट एवर वी कैन डू। कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो आपकी लाइफ से जुड़ा है, आपने कहीं सुना हो कि मतलब जो बताता हो कि डॉक्टर्स का लोग रेस्पेक्ट तो करते हैं बट जब ऐसी सिचुएशन आ जाती तो शायद ये भूल जाते हैं? बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है, मतलब लाइक के पेशेंट्स को कभी समझो हम लोग कोशिश करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बहुत कोशिश करते हैं, उसके बाद अगर समझो पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं सेक्शंस, मतलब कभी कभी पेशेंट को बेबी को बचाने के लिए हमको सेक्शंस करना पड़ता है, तो वो टाइम पे पेशेंट्स आके हमारे पास बाद में मतलब जब भी उनका हो जाता है तो डिस्चार्ज के टाइम पे आके बहुत लड़ाई करते थे, मैडम आप तो बोले थे कि नॉर्मली ही करेंगे, कैसा सेक्शन कर दिए, कैसा इतना बिल बनाए, लाइक दैट। तो मतलब रूटीनली होते ही रहता है, और कभी कभी क्या है बेबीज का भी ऐसा रहता है कि हम पास समझो हमारे पास बेबी डिलीवरी हो गया, सेक्शन हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गया, सडनली वो बेबी को वन डे टू डे बेबी नॉर्मल रहता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बाद में सडनली बेबी समझो अपने आप में चला जाता है कुछ, तो मतलब बेबी का सांस रुक जाता है, वैसे इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं, बट वो टाइम पे पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये फॉल्ट डॉक्टर का है, तो वो टाइम पे पेशेंट का आता है मैडम आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मतलब दैट टाइम पे दे विल गिव अस अ सजेशन कि ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, मतलब दैट इज नॉट, मतलब ये रूल नहीं रहता है ऐसा कि हर एक पेशेंट को हम ऐसा ही करना है बोल के टाइम, तो दिस इज टोटली डायनेमिक है। इसका जो काम है वो डॉक्टर्स को करने दीजिए, हाँ, ताकि वो आराम से अपना काम कर, बट जब पेशेंट के साथ कुछ होता है तभी वो नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि हमको ही एडवाइस देते हैं कि भाई ऐसा आपने क्यों मैडम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम नॉर्मल की ट्राई करते हैं, नॉर्मल हो भी जाता है, उसके बाद बेबी एडमिशन हो जाता है, तो उसके बाद जब पेशेंट आके बोलता है, जब पीडियाट्रिक में एडमिट करते हैं ज्यादा बिल बनते हैं, मतलब ऑब्वियसली जब क्रिटिकल केयर में बेबी एडमिट हो जाएगा तो उसका बिल्स वगैरह रहेगा, तो वो टाइम पे पेशेंट्स आके मैडम नॉर्मल डिलीवरी क्यों करे, दोनों साइड से अगर नॉर्मल डिलीवरी करे तो भी और सीजरियन करे तो भी, लाइक वो रहता है वैसा सोसाइटी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जो आप शेयर करना चाहते हैं? काफी हैं, बट व्हाट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज हर एक फील्ड में यू विल हैव ब्लैक शीप्स, और उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, एंड द अदर थिंग इज काफी बार पेशेंट्स को अपना जो प्रॉब्लम है उसका मैग्नीट्यूड है उसका नॉलेज उतना नहीं रहता है जितना अंदर उसको प्रॉब्लम है, तो ये दोनों से काफी बार पेशेंट और डॉक्टर का जो ट्रस्ट है उसमें डेफिसिट रहता है, तो आई थिंक एज अ सोसाइटी ग्रेजुअली उसको वो गैप को रिड्यूस करना चाहिए, एंड डॉक्टर पेशेंट्स आई थिंक 99% डॉक्टर्स अपना जी जान लगा देते हैं, वैसे पेशेंट्स को भी उन पे फेथ रहना चाहिए, और काफी हद तक उनको आप जब मैं एज अ पेशेंट जाता हूँ तो मैं जो मेरे जो सारे सोच हैं उसको साइड में रख के आई गो टू द डॉक्टर, सो वो एक अपने को एक क्वालिटी मतलब माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद कह रहे हैं कि जब आप खुद डॉक्टर होते हुए अगर आपको किसी क्योर के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो आप खुद अपने माइंड को खाली रखकर जाते हैं, तो हम लोगों से भी यही अपील है। देखिए आप लोग एज ए डॉक्टर तो लोगों की उम्मीद है ही, पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डॉक्टर बनना चाहते हैं, इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और आज डॉक्टर्स डे है, तो मेरा आखिरी सवाल हीरल मैम और रवि सर आपसे यही रहेगा कि आपका क्या मैसेज है आम लोगों को और साथ ही उन सभी लोगों को जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना, अभी समझो जिसको भी डॉक्टर बनना है तो फर्स्ट थिंग कि आपके पास बहुत ज्यादा डेडिकेशन रहना चाहिए आपके फील्ड के लिए, कि भाई नहीं हमको अगर डॉक्टर फील्ड में आना है तो वी हैव टू लाइक लीव एवरीथिंग, कि मतलब मैंने जैसे बोला वैसा हम लोगों को कोई फेस्टिवल्स नहीं रहता है, कोई फंक्शंस वगैरह हम लोग मतलब ऐसा रहता है कि हमको जस्ट वो टाइम पे ही डिलीवरीज के कॉल आ जाते हैं, पेशेंट्स वेटिंग में रहते हैं, तो मतलब रूटीन सोसाइटी को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अभी ये आएंगे रेडी होके आएंगे, बट फॉर अस इट इज नॉट लाइक दैट, तो लाइक अगर आपके लाइफ के लिए आपको डेडिकेशन है और आपको ये चीज करके मतलब ये हमारा फील्ड ऐसा है कि मतलब एक मेंटल
मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब आप पेशेंट को ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छा हो जाएगा पेशेंट को, तो यू विल गेट मतलब बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। और मतलब डेडिकेशन इज द फर्स्ट थिंग, यानी कि डॉक्टर्स के लिए जो मरीज के पेशेंट पे जो मुस्कुराहट है वो लाखों हजारों से भी बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली डेडिकेशन इज अ मस्ट। अभी जैसा हमें कुछ टाइम का ये नहीं, बाउंड्रीज नहीं रहता है, वी नीड टू गो। काफी बार हम 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock काफी बार हम अटेंड करते हैं पेशेंट्स को, और उसका एफर्ट्स का जो रिजल्ट्स आता है तो उससे कहीं ना कहीं हमको जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं उसमें एक सुकून सा मिलता है एंड वी आर हैप्पी विद दैट। और जो लोग इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आपकी तरफ से मैसेज? आई थिंक इफ यू लव दिस डेफिनेटली इसमें आपको जंप करना चाहिए एंड और जहाँ पे है डेडिकेशन आपको उतना टाइम देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे मुझे कुछ जो प्री शेड्यूल प्रोग्राम्स रहते हैं, एक इमरजेंसी पेशेंट आने की वजह से ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक बार वो पोस्टपोन हो गया तो इट गेट्स पोस्टपोन फॉर मंथ्स, 2 to 3 months वो आगे ही चला जाता है जहाँ पे। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर जो एक रिलैक्स सुकून वाले मेंटेलिटी के लिए वो ये नहीं करेगा। डेफिनेटली इफ यू आर इन टू इट, आपको इंटरेस्ट है एंड जहाँ पे आपको एक मरीज के पे चेहरे पे आपको एक सुकून स्माइल देखना है आपको उसे, इट इज गोइंग टू फेच यू फार मोर देन जितना जो भी कुछ वो देगा। या फिर यानी कि हिरल मैम और रवि सर, आप दोनों का कहना यही है कि लोग सोचते हैं कि अगर डॉक्टर बन गए तो बहुत ग्लैमरस जॉब है, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा डेडिकेशन है आपको, अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रखकर आप एक सोशल लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाए और इस फील्ड में कदम रखे, बहुत सारे चैलेंजेस है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी और ये पूरी खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से आप दोनों को हैप्पी डॉक्टर्स, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हिरल और डॉक्टर रवि सर, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की और ये भी बताया कि अगर आप डॉक्टर के फील्ड में अगर कदम रखना चाह रहे हैं तो कौन से चैलेंजेस आपके सामने होंगे। पर ये बात भी सही है कि जब डॉक्टर एक मुस्कुराहट के साथ देख लेता है तो आधा मरीज तो वही ठीक हो जाता है। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी डॉक्टर्स डे। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार केपी न्यूज।